तो फ्रेंड्स, दिस इज हर्षित एंड टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक रिवॉल्विंग ब्रांच। जैसा हमें अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, रिवॉल्विंग ब्रांच के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, बॉडी, रिवॉल्विंग हेड एंड कैप। जो रिवॉल्विंग हेड है, इसके नीचे बॉल्स, मेटलिक बॉल्स यूज होती हैं ताकि इसको रिवॉल्व कर सकें। और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड मेल कपलिंग है वो 63 mm का होता है और इसके 9 होल्स होते हैं जिनका ईच डायमीटर 66.35 mm होता है। और जो ये मिनिमम प्रेशर जो है जिस पे ये काम कर सकता है, जो इसका रिवॉल्विंग हेड है वो रिवॉल्व करेगा, वो 0.5 mm² है। और ये इसका जो वर्किंग प्रेशर है वो 30 से 175 मतलब कि 30 to 175 PSI पे ये काम करेगा। और इसका जो फ्लो रेट होता है वो 285 to 950 LPM होता है, जो कि 2 bar के प्रेशर पे काम करेगा। और ये 10 meter तक जो है वो कवर करेगा डायमीटर में 30 PSI मतलब 2 bar के प्रेशर पे। इसका यूज़ जो है, इसका यूज़ शिप में होता है, फिक्स्ड रूफ टैंक के अंदर होता है, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ मतलब एक फायर फाइटर का पहुँचना मुश्किल होता है, तो उसको ऊपर से रूफ से ही उसमें रूफ में छेद करके इसको इंस्टॉल कर देते हैं ताकि ये वहाँ पे वाटर को स्प्रेड कर सके। अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, ये कैसे कैलकुलेट, हम किसी भी नोजल को कैसे कैलकुलेट करते हैं या उसका फ्लो रेट, प्रेशर या वो कितना रिएक्शन फोर्स देगा, उसके लिए ये कुछ फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। जैसे हमें नोजल का कैलकुलेट करना है कि वो कितने mm का है, तो उसके लिए गैलन पर मिनट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 4000 डिवाइड बाय PSI मतलब कि प्रेशर की यूनिट है PSI। ये 4000 डिवाइड बाय PSI ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। और अगर जो हमें उसका फ्लो रेट चेक करना है तो वो नोजल इनटू स्क्वायर रूट ऑफ PSI डिवाइड बाय 4000 हुआ। और ये PSI और 4000 जो है ये दोनों स्क्वायर रूट के अंडर ही आएंगे। और अगर हम बात करें प्रेशर, उसका प्रेशर चेक करना है, प्रेशर देखना है कि वो कितने प्रेशर से काम कर रहा है, तो उसका होता है गैलन पर मिनट डिवाइड बाय नोजल का होल स्क्वायर इंटू 4000। इससे हमें उसका प्रेशर पता लग जाएगा कि वो कितने प्रेशर पर वर्क कर रही है। और जो रिएक्शन फोर्स मतलब कि वो कितना रिएक्ट बैक फोर्स करेगी, उसका होता है गैलन पर मिनट इनटू स्क्वायर रूट ऑफ PSI होल डिवाइड बाय 18.92। अगर हम इसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये एल्यूमिनियम एलॉय और कॉपर एलॉय से बनता है। एल्यूमिनियम एलॉय जो है वो IS-617 के अकॉर्डिंग यूज होता है और ये डाई कास्टिंग, हॉट फॉर्जिंग और ग्रेविटी कास्टिंग से होता है। जैसे कि डाई कास्टिंग जो होती है वो Grade 3 होती है ऑफ IS-292 और हॉट फॉर्जिंग जो है वो Grade 1 होती है ऑफ IS-291। जो ये कास्टिंग होती है इनकी भी ग्रेडिंग होती है Grade 1, Grade 2, Grade 3 में। और जो ग्रेविटी डाई कास्टिंग होती है वो IS-1264 के अकॉर्डिंग होती है। और इसमें एक और बात है कि जो ये लीकेज जब भी शो करेगी, जब इसमें कॉन्टिन्यूसली 10 hours के लिए हम इसको यूज़ करेंगे 1 mega Newton per meter square के प्रेशर से। थैंक यू।